अस्सलाम वालेकुम। ये मैथ्स की काउंटडाउन 3 के पेज नंबर 97 और 98 की एक्सप्लेनेशन की रिक्वेस्ट आई है, तो इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या मसला था। पहले पेज नंबर 97 को एक नज़र देखते हैं, क्या कह रहे हैं जी। बेसिकली डिवाइड के सवाल हैं। सारा एंड हर थ्री फ्रेंड्स सारा एंड हर थ्री फ्रेंड्स ईच सोल्ड एन इक्वल नंबर ऑफ रफल टिकट्स फॉर अ चैरिटी। इफ दे सोल्ड 640 टिकट्स ऑल टुगेदर, हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड बाय ईच ऑफ देम। क्या सवाल हुआ कि अगर इन लोगों ने कितनी सहेलियां थीं, कितनी साथियां थीं, टोटल चार थीं, सारा एंड हर थ्री फ्रेंड्स, तो टोटल साथी जो हो गए इनके हो गए वो चार हो गए, ठीक है। और उन्होंने कितने टिकट्स बेचे, 640 टिकट्स बेचे। तो अब बताइए कि एक बंदे ने टिकट्स कितने बेचे। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, डिवाइड करके आप जवाब निकाल लीजिए, ठीक है। इसका पार्ट बी है, एवरी ट्री इन द गार्डन कैन सीट 8 बर्ड्स, हाउ मेनी ट्रीज आर नीडेड टू सीट 296 बर्ड्स। 296 बर्ड्स हैं एक ट्री पे, 8 बर्ड्स बैठ सकती हैं। आप बताइए कि कितनी बर्ड्स बैठेंगी, कितने दरख्त चाहिए होंगे अगर 296 बर्ड्स बिठानी है, ठीक है। और इसको मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि जब सवाल मुश्किल लगा करे तो नंबर्स को आसान करके चेक किया करें। तो आसान करते हैं, एक दरख्त पे दो परिंदे बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक दरख्त पे दो परिंदे बैठ सकते हैं, इसकी जगह टू कर दें। अब बताइए कि अगर हमें 10 परिंदे बिठाने हैं, इसकी जगह 10 कर दें, तो कितने दरख्त चाहिए होंगे। आसान हो गया। अच्छा, कलर ये बहुत अच्छा नहीं था, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्राइट ले लेते हैं, ब्राइट 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 जी। तो यहाँ पे हम 8 के बजाय 2 कर देंगे और यहाँ पे 296 की जगह 10 कर देंगे समझने के लिए। तो अब देखें, बगैर सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि सवाल किस चीज़ का है, ठीक है ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ये समझने में आ रहा है कि सवाल में करना क्या है। अगर हर दरख्त पे दो परिंदे बैठ सकते हैं तो बताइए 10 परिंदे बिठाने के लिए कितने दरख्त चाहिए होंगे। तो आप वैसे ही बता सकते हैं, 10 परिंदे बिठाने के लिए 5 दरख्त चाहिए होंगे। तब बताइए 10 और 2 के साथ क्या किया कि आंसर 5 आया। तो वी नो कि हमने इसको डिवाइड किया है, तो फिर यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, 296 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर जो है हमारे पास 5 आया था, ठीक है जी। क्वेश्चन सी, हाफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट अ स्कूल पिकनिक आर गर्ल्स। किसी स्कूल पिकनिक पे आधे लोग, आधे बच्चे लड़कियां हैं। इफ देर आर 152 चिल्ड्रन ऑन द पिकनिक ऑल टुगेदर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। बहुत आसान सवाल है, अगर 152 टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से आधी लड़कियां हैं, तो बताइए कि कितनी लड़कियां हैं। 152 का आधा कर लीजिए, 152 का आधा करने के लिए या किसी भी नंबर को आधा करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी पैक्स ऑफ 4 बिस्किट्स, हाउ मैनी पैक्स ऑफ 4 बिस्किट्स कैन बी मेड विद 735 बिस्किट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन, हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर। अब लेफ्ट ओवर का मतलब क्या हुआ, कितने बच जाएंगे, इसका मतलब है कि ये इसमें रिमाइंडर भी आना है। पूछ रहे हैं कि बिस्किट का एक पैकेट बनाना है जिसमें 4 बिस्किट जाते हैं, बताइए अगर 375 बिस्किट्स हैं तो कितने पैकेट बनेंगे और फिर कितने बिस्किट एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो पैकेट में आने के काबिल नहीं होंगे। यकीनन 3 या 2 या 1 कुछ ऐसे ही बचेंगे, क्योंकि एक पैकेट में पूरा 4 डालने हैं, तो अगर 3 बच गए तो आखिर में 3 किसी पैकेट पर नहीं आ सकेंगे, है ना भाई, या 2 बच गए या 1 बच गया।
तो ये पूछ रहे हैं कि 735 बिस्किट्स हैं, चार चार के बिस्किट्स का एक पैकेट बनाना है, बताइए कितने पैकेट बनेंगे। बहुत आसान है, अगेन डिवीजन का क्वेश्चन है। 735 को 4 से डिवाइड कर लें। इन सब में से एक सवाल मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि आपको डिवीजन करने की ये एक सपोर्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर ई है, 910 सोल्जर्स मार्च इन द परेड ग्राउंड इन 7 रोज, हाउ मैनी सोल्जर्स वर देयर इन ईच रो। 910 सोल्जर्स 7 रोज में हैं, तो एक रो में कितने हैं? अगेन बहुत आसान सवाल है, 910 हैं 7 रोज में, तो एक रो में कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे। फिर वही अगर अप्लाई करके देखें कि इसको दो कर दें, 2 रोज हैं और हर टोटल जो है वो 10 सोल्जर्स हैं, बताएं एक में कितने होंगे? तो आप बता सकते हैं, अगर 2 रोज में 10 सोल्जर हैं तो एक रो में 5 होंगे। आप फिर गौर कीजिए, आपने 5, 2 और 10 के साथ क्या किया? आपने 10 को 2 से डिवाइड किया, तभी 5 आंसर आया। तो इसी तरह से आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तभी सही आंसर आएगा। तो आप सिंप्लीफाई अगर कर देते हैं तो आपको आसान हो जाता है ये अंदाजा लगाना कि टॉपिक है क्या। कभी पैक्ड 177 टैबलेट्स इनटू पैकेट्स ऑफ 5, 177 टैबलेट्स थी, पांच पांच के पैकेट बनाए, बताइए हाउ मैनी पैकेट्स डिड ही मेक, उसने कितने पैकेट्स बनाए, हाउ मैनी टैबलेट्स वर लेफ्ट ओवर, कितनी बच गई थी, क्यों बच गई होंगी? या तो 4 बची होंगी, या 3 बची होंगी, या 2 बची होंगी, या 1 बची होगी, क्योंकि एक पैकेट में 5 ही आनी है, तो जो इस तरह से बची होंगी 5 से कम वो एक्स्ट्रा हो गई होंगी। तो यूँ पेज नंबर 97 के सारे सवाल हुए। अब इनमें से एक सवाल हम कर लेते हैं, चलिए लास्ट ही कर लेते हैं एफ, ठीक है। 177 डिवाइड बाय 5, तो 177 डिवाइड बाय 5, 3 डिजिट्स हैं, HTO, पहला डिजिट छोटा है, दोनों को मिला लेंगे, तो अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसके नीचे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब हम कर देखते हैं तो 5 के टेबल में 15, 5 3 15 करीब तरीन है, माइनस करते हैं, 7 आया, 2 आया, 2 छोटा है, 7 मिला लेंगे, एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं है, कोई 0 नहीं लगेगा। तो फिर देखते हैं 5 के टेबल में करीब तरीन क्या है, 5 5 25, क्या बचा? 2 बच गया। तो सवाल क्या था, वापस सवाल देखते हैं, आंसर आया 35R2। सवाल क्या था, जरा दोबारा देखिएगा जनाब, सवाल था कि टैबलेट्स थी 177 जिनको के पांच पांच के पैक्स में पैक करना था, तो बताइए कितने पैकेट्स बने? हमारा क्या जवाब आया? हमारा जवाब आया 35 पैकेट्स बचे और 2 रह गई, ठीक है जी। देयर वर, अच्छा वर्डिंग्स इतने मैटर नहीं करते कि आपने क्या लिखे, 35 पैकेट्स वर मेड ऐसे भी लिख सकते थे, 35 पैकेट्स मेड एंड 2 टैबलेट्स वर लेफ्ट ओवर। सवाल खत्म। तो टॉपिक आसान था, इसका जल्दी से हम दूसरा पेज भी देख लेते हैं। दूसरा पेज 98 क्या कह रहा है, माजिद वर्क्स एट अ ग्रॉसरी स्टोर, द मैनेजर आस्क माजिद टू पुट द टोमेटोज इन बॉक्सेस, माजिद हैज 370 टोमेटोज एंड ही पुट्स 8 टोमेटोज इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी फुल बॉक्सेस विल बी देयर। आसान है, 370 को आप, सॉरी यहाँ पे 370 को आप डिवाइड कर दें 8 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने बॉक्सेस भरे आपने, जो आंसर आएगा आपका, और हाउ मेनी टोमेटोज विल बी लेफ्ट ओवर, जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि कितने बच गए, सॉल्व करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। देर आर 650 लेमन्स टू बी पुट इन टू बैग्स, 650 लेमन है बैग्स में डालने हैं, हाउ मैनी बैग्स ऑफ 7 लेमन, तो बहुत आसान सवाल है, 650 डिवाइड बाय 7 कर दें, सात सात के बैग्स बनाए, कितने बैग्स बनेंगे पता चल जाएगा आपको, जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, और कितने लेफ्ट ओवर होंगे वो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। देयर आर 955 बार्स ऑफ चॉकलेट, 955 बार्स हैं चॉकलेट की, ईच बॉक्स कैन होल्ड 6 बार्स, बहुत आसान सवाल है, 955 को 6 से डिवाइड कर दें,
और अगेन जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ बताएंगे कि इतने बॉक्स बना लिए गए, कितने बॉक्स हमें चाहिए होंगे, दीज मैनी बॉक्स विल बी रिक्वायर्ड, इतने बॉक्स चाहिए होंगे। फिर भी कुछ चॉकलेट्स अगर बच गई रिमाइंडर में तो वो यहाँ लिख दीजिएगा, इस जगह आ जाएगा कि हाउ मैनी चॉकलेट बार्स आर लेफ्ट ओवर। आखिरी सवाल, आमिर हैज 120 बॉक्सेज ऑफ सोप टू पुट ऑन अ सोप शेल्फ। सोप की शेल्फ है दुकान पर कहीं रखे, किसी स्टोर में बेचनी है, 120 बॉक्सेज रखने हैं और एक रो में सात आएंगी, तो बताइए कितनी रोज बना पाएगा। तो अगेन 120 को सात से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ बच गया तो जो आंसर यहाँ आया वो तो इधर आ जाएगा, कुछ बच गया तो वो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है जी, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी लेफ्ट ओवर, वो यहाँ आ जाएगा। तो सारे एक जैसे ही सवाल थे, बिल्कुल आसान डिवाइड के सवाल हैं, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे कि सवाल किस चीज़ का है, तो आप उसके नंबर्स को आसान कर लिया करें, छोटे वाले को 2 कर दिया करें और बड़े वाले को 10 कर दिया करें, और फिर देखा करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है और 2 और 10 को क्या किया था जो ये आंसर आया। तो आपको पता चल जाएगा कि डिवाइड का है कि मल्टीप्लाई का है, ऐड का है कि सब्ट्रैक्ट का है। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। ठीक है जी, तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी।